Alright, hello, hi, JP, namaste, vanakkam and welcome back to my YouTube channel. तो ऑलराइट दो दिन के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है एंड आज हम लोग बनाने वाले उपमा एंड देखते कैसा बनता है कैसे नहीं. तो आप भी वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. हम लोग अभी आए सुभाष के घर पे उपमा. हाँ, आज हम लोग उपमा बनाने वाले एंड ये सच्चे में बहुत बहुत सही फुल फन ब्लॉग होने वाला है. तो स्टेप पे रहो. तो चलो अभी उपमा बनाते हैं. मैं बताते आपको कैसा करते कैसा नहीं. हार रख यार. मैंने आधा किलो रवा लिया और अभी गैस ऑन. रवा को क्या कर रहा हूँ. रवा को रोस्ट कर दिए. रोस्ट कर दिया तभी हुआ. कर दिया हम लोग पहले ना कर दिया. अभी पैन तवा हीट होने के बाद उसमें ऑयल पोर करके अपना क्या बोलते हैं वेंगायम डालने का. वेंगायम के बाद वेर इस पच्चम लगाए. वेंगायम मींस ऑनियन. पूरा पच्चम लगा रहा हूं. ये नाल पोड़ रहा. आज हमारा चेफ है कार्तिक एंड सुभाष. नाल पोड़े रेंडो पोड़ो. ए नाल पोड़ी. यो भाई फाइट चल रहा है. फाइट है छे पक्का है. नाल पोड़ भी बच्चा अपने चपन रुंडा चपने रे अपन रे ने कर दिया. अरे उधर लेना था. कॉपीराइट. सुभाष पागल हो गए. आप तो वाइफ बना ना वाइफ बना ना 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 ग्रीन चिल्ली काट रहे. ग्रीन चिल्ली कट करने का बेस्ट वे सीजर. पहला थोड़ा तेल डाल लेते हैं. नीट टूटी पहला बहुत तेल हो गया. तेल बजट टाइट. இந்த பட்டம் யார் கொண்டு வந்தா. அம்மா எப்போ முந்தானே பிச்சிராதா கொலையே பண்ணிடுவாங்க அவங்களுக்கு. இதுலதான் ரொம்ப கிரிஞ்சு கிரேஸ் இருக்கு. போன மூக்கு வலி வந்தா பயிரா தோட ஆனியன் டால் லேத்த. उसके बाद जो रोस्ट किया हुआ रवा है उसको अभी डालने का नहीं ना. तब तक थोड़ा बात फोन करके आते. तब तक आप उपमा बताते कैसा कैसा उसको बनाने. तो अभी डिस्टर्ब नहीं करते. मामा
चलो अभी रवा बनाते, वो तो अभी रवा बनाते स्टार्टिंग में पोटा மூக்கல போக வரல வித்தைய காட்டிட்டு இருக்கேன் சுரால என்ன உப்பு எடு மச்சான் உப்பு தண்ணி மூக்கலுக்கு அப்புறம் உப்பு போடுவாங்களா உப்பு போடாதுக்கா ஊத்தே ஊத்தே எப்படி கண்ணை முட்டு போட்டுடலாமா என்ன ஞாபகம் சிவராஜ்குமார் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் நல்லா கொதி வர்றதுக்கு அன்டில் வி வில் வைப் நெக்ஸ்ட் கோ சலோ நெக்ஸ்ட் வைப் போல வருமா மனக்கு இது தெரியல அட பாலக்கு ஊமுச்சுருமா உன்னோட நானும் அட வண்ணா ஆடு வேணா பண்றீங்க டேய் அட மாமா ஓ பொன்னை கோடே அட ஆமா சொல்லி குடு இது சாமி போட்ட முடிச்சி அது कुछ भी नहीं करता है बस ऐसे ही बैठा रहता है भूख लग रहा है भाभी बना रहे ना उपमा खाने तो उपमा यार एक ही सोलो पुरिया आर वेला सोर तिन्नु मेर कुंडु नोरक तिन्न तिन्र परंपरा रहा है परंपरा है என்ன போய் உப்பா தின்னுச்சிங்களாங்க ஏய் தெரியுதுடா உள்ள இருக்கலாம் இதுதான் ராம் சரண் நாங்களா எம்டிஆர் எனக்கு வயிறு வேணும் ஆடுங்க சாரி மதிக்கிறானுங்க மூணு பேரும் அவனுக்கு ஆடுற வரல அந்த டான்ஸ் அதான் போறமே போறமே கொட்டு 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 கல்மறி இருக்கும் சூப்பரா வந்து உப்பு தான் கம்மியா இருக்கு थोड़ा नमक कम है ए बच्चा लाइटा को नमक फोड़ लेवा बता बहुत हल्का हल्का डाल इपो मने सॉल्ट पे आ सोल्ले ओ बाटी किंडी அதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்பதான் அடியில இருக்குது மேல வந்து ஐ உப்பா லேக்கியோ ஏ காதல் கல்யாணத்து பரே
तो चलो अभी खाते पीते इस बात पे कैसा बना कर இவன் மாதிரி ஆளுங்க ஆடும்போது அந்த டான்ஸ கருவிலே கொண்டுடணும் இல்லைன்னா இவன் நல்லா ஆடுவான். ஆமாண்டா, சாமிக்கு பூ போட்டா கிழவன், மாமிக்கு பூ போட்டா குமரன். பெரிய கண்டுபிடிப்பு. இந்த வார்த்தையை என் பொண்டாட்டி எதுல நீ சொல்லிருக்கணும், மகனே உன்ன நான் பொடி போட்டிருப்பேன். उपमा खा के खत्म हो गया तो इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा ही था. अच्छा ही था क्या? बहुत ही अच्छा था, बस थोड़ा नमक ऊपर नीचे हो गया था. पोस्टर बहुत डॉक्टर पोस्टर भावड़ा लगातार दे रहा है. फोन फोन फेंका नीचे. तो अरे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट. मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बस टेस्ट बहुत सही था. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय बाय.